रिवोक सस्पेंशन ऑफ 12 राज्यसभा MP इसकी बैनर के साथ गांधी प्रतिमा के सामने राहुल गांधी से लेकर तमाम विपक्षी पार्टी के नेता एकत्रित हो चुके हैं और अब यहां से ये विजय चौक जाएंगे। विजय चौक जाकर वहां पे ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। हमारे साथ नीरज डांगी राज्यसभा के सदस्य हैं। सर, आपको लगता है कि कोई भी सरकार की तरफ से ऐसी हिंट नहीं आ रही है कि 12 निलंबित सांसदों का निलंबन वापस होगा? देखिए, ये लोकतांत्रिक तरीके से सभापति का निर्णय होना चाहिए, इसमें सरकार का इंटरफेरेंस ही सही नहीं है। सरकार नहीं चाहती है कि किसी भी तरीके से इन 12 सांसदों का निलंबन जो है वापस लिया जाए। वो चाहते हैं कि ये माफ़ी मांगे। मैं समझता हूँ कि जिस प्रकार का कृत्य उस दिन हुआ था वो सर्वथा सांसदों के साथ गलत था। सांसदों की सिक्योरिटी जो है वो ये नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में सांसदों पे लांछन लगा करके उनको निलंबित किया जाना संवैधानिक तरीके से गलत है। यानी कि आपने देखा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के सांसद यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं, तृणमूल कांग्रेस के सांसद, शिवसेना के सांसद, लेफ्ट पार्टीज के सांसद यहाँ पे इकट्ठा हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूँ मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।